नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। हिंसा, आगजनी, मौत, राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश। श्रीलंका में पिछले कुछ समय से ऐसी ही अप्रत्याशित घटनाएं आप सुन रहे होंगे, क्योंकि घट रही हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो भागते फिर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की जा रही है और विरोध प्रदर्शनों में गो होम गोटा, यानी कि पद छोड़कर घर वापस जाओ गोटाबाया के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल देश में अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट के बाद से ऐसे हालात बने हुए हैं। महंगाई चरम पर है, बिजली संकट है, खाने का संकट है और इसके बाद से ही हर रोज अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। तो सवाल है कि श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया कि वो इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आखिर श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हो गई? ताकत पर राजपक्षे परिवार निशाने पर क्यों आ गया? आमतौर पर श्रीलंका की इस हालत के लिए 2019 के बाद के घटनाक्रमों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार भी और राजनीतिक मामलों के जानकार भी श्रीलंका के दिवालियेपन के पीछे यही वजह बता रहे हैं। 2019 ही वो साल है जब मौजूदा राजपक्षे सरकार सत्ता में आई थी। अब जो श्रीलंका की हालत है उसके लिए इस परिवार के शासन के तौर तरीकों पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि इसकी पटकथा 2019 में ही तब लिख दी गई थी जब चुनाव होने वाले थे। नवंबर 2019 के चुनाव से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों को रिझाने वाली कई घोषणाएं की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया, करों में कटौती जैसी घोषणाएं की और वो सत्ता में आ गए। इसके बाद विधायिका के लिए जब अगस्त 2020 में आम चुनाव हुए तो उसमें अपनी पार्टी की भारी जीत के बाद शक्तिशाली राजपक्षे परिवार ने सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। इससे उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियों को बहाल करने और प्रमुख पदों पर परिवार के करीबी सदस्यों को लाने के लिए संविधान में संशोधन करने की भी अनुमति मिल गई। एक क्रूर सैन्य अभियान में तमिल टाइगर्स को कुचलने वाले महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की भूमिका संभाल ली। अपने करियर में वो चौथी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चमल और सबसे बड़े भतीजे नमल को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इनके अलावा भी उनके परिवार के कई सदस्य सरकार में किसी न किसी रूप में शामिल रहे। महिंदा ने केवल 24 वर्ष की उम्र में संसद में प्रवेश किया था और सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने अप्रैल 2004 में महिंदा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद वो लगातार ताकतवर होते गए। नवंबर 2005 में उन्हें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। चुनाव में उनकी जीत के तुरंत बाद महिंदा ने लिट्टे को कुचलने के अपने इरादे की घोषणा की। उन्होंने लिट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया उसके रक्षा मंत्री तब गोटाबाया राजपक्षे थे। लिट्टे के खिलाफ अभियान से महिंदा एक नया नायक बन गए और 2010 में एक प्रचंड जीत के साथ सत्ता में लौटने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तब उन्हें तीसरे कार्यकाल की अनुमति देने के लिए संविधान को उन्होंने बदल दिया था। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान महिंदा राजपक्षे ने चीन के साथ कई प्रमुख बुनियादी ढांचे के सौदे किए। आलोचकों का कहना है कि महिंदा के कारण ही देश चीनी कर्ज के जाल में फंस गया। रणनीतिक हमन टोटा बंदरगाह को उनके शासन के दौरान एक चीनी ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया था। देश के कर्ज का भुगतान करने में विफल रहने के बाद 2017 में बीजिंग को उस बंदरगाह को 99 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा। 2014 के दौरान बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की वजह से उन्हें 2015 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें हरा दिया और राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका में 2019 में एक और बड़ी घटना घटी जिसने फिर से राजपक्षे परिवार को एक बड़ा मौका दिया, जहां से श्रीलंका में बड़े बदलाव शुरू हुए। अप्रैल 2019 में घातक ईस्टर बम विस्फोट श्रीलंका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब इस्लामिक स्टेट से जुड़े आत्मघाती हमलावरों ने चर्चों और लग्जरी होटलों पर हमला किया तो उसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। तब राजपक्षे के नेतृत्व वाली SLPP ने सुरक्षा के मोर्चे पर विफलता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की सरकार की जमकर आलोचना की। SLPP ने महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की भी घोषणा कर दी। आतंकवाद की घटना के बाद हुए चुनाव में राजपक्षे परिवार ने इस घटना और लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई को खूब गुनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया, टैक्स कम करने का वादा किया गया। चुनाव के नतीजे राजपक्षे के परिवार के पक्ष में आ गए। फिर से
सरकार के अहम पदों पर राजपक्षे परिवार के सदस्य बिठा दिए गए। लेकिन चुनाव से पहले एक भविष्यवाणी भी की गई थी। चुनाव से पहले तत्कालीन सरकार में वित्त मंत्री मंगला समरवीरा ने वैट को 15% से घटाकर 8% करने और अन्य लेवी को खत्म करने की राजपक्षे परिवार के वादों पर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इन प्रस्तावों को इस तरह से लागू किया जाता है तो न केवल पूरा देश दिवालिया हो जाएगा बल्कि पूरा देश एक और वेनेजुएला या दूसरा ग्रीस बन जाएगा। उनकी भविष्यवाणी को सच होने में लगभग 30 महीने लग गए। राजपक्षे ने चुनाव जीतने के बाद करों को कम किया। नतीजा सामने था, अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम राजस्व मिला और उस पर कर्ज बढ़ता गया। एक अर्थशास्त्री और सरकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विकास मंत्रालय की पूर्व सलाहकार अनुष्का विजय सिंह ने ब्लूमबर्ग से कहा, यह धारणा थी कि ईस्टर के बाद की मंदी से कर में कटौती और कम ब्याज दरों का रास्ता था, लेकिन एक ये गलती थी। व्यापक मंदी की आशंका सबसे पहले महामारी के साथ सामने आई। इसने अचानक पर्यटन और रेमिटेंस से राजस्व को छीन लिया। क्रेडिट रेटिंग कंपनियों ने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया। इससे बचने के लिए सरकार ने मुद्राएं छापी। इससे देश में बेतहाशा मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ी। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका को एक और झटका लगा। विजय सिंह और अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार ने अचानक रासायनिक उर्वरक पर आयात प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया उसके इंपोर्ट पर। सार्वजनिक रूप से अधिकारियों ने कदम को जैविक खेती को अपनाने और उर्वरक माफिया से लड़ने के अभियान के वादे को पूरा करने के रूप में तैयार किया था, लेकिन वास्तव में कई लोगों ने इस निर्णय को विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर बचाने के प्रयास के रूप में देखा। उर्वरक आयात यानी कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर प्रतिबंध उल्टा पड़ गया। श्रीलंका की पूरी कृषि श्रृंखला तबाह हो गई। देश की श्रम शक्ति का लगभग 1/3 कृषि पर निर्भर है और GDP का 8% कृषि से आता है। इन दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धान की फसल विफल हो गई, इसे सरकार को चावल आयात करने पड़े और तबाह हुए किसानों का समर्थन करने के लिए एक महंगा खाद्य सहायता कार्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्व के एक प्रमुख स्रोत चाय के निर्यात से भी आय सूख गई। इसका असर यह हुआ कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता गया। आर्थिक मोर्चे पर अब श्रीलंका के कमान में कोई तीर नहीं बचे थे जिससे देश में खाने के संकट, तेल संकट और बिजली संकट को रोका जा सकता हो। इन संकटों का अब नतीजा आपके सामने है। हिंसा हो रही है, मौतें हो रही हैं, कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार खुद को बचाने के लिए हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे रही है और फिर गो होम गोटा का नारा मजबूत होता जा रहा है। वहीं आज भारत की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत में जिस प्रकार का माहौल है, अगर वैसा ही माहौल उसको रोका नहीं गया तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका भी इसी रास्ते पर था। उन्होंने कहा है, महबूबा मुफ्ती ने जो कि PDP की प्रमुख हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में भी बौद्ध, ईसाइयों और मुस्लिम, इनको आपस में लड़ाया गया। हाइपर राष्ट्रवाद वहां पर भी था और उसका नतीजा सामने है। बाकी और लोग भी, विश्लेषक भी, विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी दूर तक ये बात सच है, ये नहीं कहा जा सकता। आज की खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।